वेलकम टू फूडी चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे चिकन चीज़ मायो सैंडविच। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने श्रेडेड चिकन लिया, इसे बॉईल किया था नमक डालकर और फिर इसको श्रेडेड कर दिया। ये एक कप के करीब श्रेडेड चिकन है। फिर इसमें जो है बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही में जो है बारीक कटी हुई प्याज। फिर साथ ही में जो है इसमें मैंने बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दी और कैप्सिकम, और ये कैबेज है, बारीक कटा हुआ कैबेज और कैप्सिकम ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो सब्जियों की क्वांटिटी जो है बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर दी थी और साथ ही में जो है यहाँ पर मैंने चीज़ ऐड कर दिया। ये चीज़ जो है हमारा प्रोसेस चीज़ है और मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो प्रोसेस चीज़ का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रेट किया हुआ प्रोसेस चीज़ ऐड कर दिया और वो इसके पहले जो है मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड कर दिए थे और टमाटर सॉस जो है एक टमाटर केचप इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। तो इससे क्या है कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है मिक्स हर्ब्स से और टमाटर केचप से। तो यहाँ पर जो है आपने मेयोनीज़ ऐड कर देनी है। अगर आपके घर में बनाया हुआ मेयोनीज हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये मैंने शॉप से लाया था वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैंने 1/2 कप के करीब मेयोनीज ऐड कर दिया था, साथ ही में थोड़ा सा सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर था। और ये सब ऐड करने के बाद जो है हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो याद रहे अगर आपके पास पिज़्ज़ा हर्ब्स है तो वो भी ऐड कर सकते हो, और मिक्स हर्ब हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको बच्चे के लिए बनाना हो, छोटे बच्चे के लिए जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो आपने इसमें मिर्चें वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि कैप्सिकम भी जो है थोड़ी सी तीखी होती है और काली मिर्च भी। तो जो बच्चे तीखा नहीं खाते जैसे कि हमारे यहाँ, तो मैंने नहीं ऐड कर दिया था। सिर्फ मैंने श्रेडेड चिकन लिया, थोड़ा सा चीज़ लिया और मेयोनीज ऐड कर दिया, और थोड़ा सा जो है मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। केचप ज़रूर ऐड करना, टोमेटो केचप, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा खाता है सब्ज़ियाँ तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे को सब्ज़ियाँ नहीं पसंद तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ना ही कैप्सिकम ऐड किया था, ना ही कैबेज, ना ही दूसरी सब्ज़ी जैसे कि गाजर वगैरह, और ना ही इसमें टमाटर प्याज था। सिंपल मैंने बनाया था लेकिन बहुत बहुत टेस्टी बना था, और इवन मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड नहीं किया था। ऐसे भी नहीं है कि हमारा बेबी नहीं खाता वेजिस, वो खाती है, लेकिन जब नॉनवेज की बात हो तो वो वेजिस इसके साथ में नहीं खाती, तो इसलिए मैंने इसे प्लेन ही रखा था। तो हमारा सैंडविच का जो है हमारा अंदर की फीलिंग, सैंडविच की फीलिंग जो है रेडी हो चुकी है। तो हम इसे साइड में रख देंगे और हमारे जो सैंडविचेस के ब्रेड है उसे लेंगे और इस पर स्प्रेड करके जो है हम डायरेक्टली इसे हम तवे पर, या फिर आपके पास अगर सैंडविच मेकर हो तो आप उससे बना सकते हो। सैंडविच मेकर हो तो बहुत ईजीली बन जाता है, लेकिन आपके पास अगर नहीं हो तो आप पैन पर भी जो है फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं पैन पे ही फ्राई करूँगी, सैंडविच मेकर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इवन मेरे पास है लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो है हम सारे ब्रेड को, सारे ये फीलिंग स्प्रेड करते हुए सारे साइड में रखते जाएंगे। फिर जब हमारी सारी ब्रेड सैंडविच के फील होके रेडी हो जाएगी तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मैंने ब्रेड को जो है ना ही कोई बटर अप्लाई किया, ना ही चटनी, ना ही केचप, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमारे फीलिंग में मौजूद है, यानी कि जो केचप वगैरह है सॉरी ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ जो है बटर नहीं है। तो बटर अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारा जो सैंडविच है सॉफ्ट बनता है, और ये जो हमारी फीलिंग है ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो इसलिए हमने कोई भी बटर ब्रेड पर पहले अप्लाई नहीं किया। जब हम आलू की फीलिंग बनाते हैं ना तो तब इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है कि हमारे आलू की जो फीलिंग होती है वो काफ़ी ड्राई ड्राई सी रहती है, तो इसलिए हम उसमें बटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फ्राई करते वक्त बटर और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बटर और ऑयल दोनों का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा सैंडविच होता है वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो अगर आप सिर्फ बटर का इस्तेमाल करेंगे तो इतना क्रिस्पी नहीं बनता जितना ऑयल और बटर दोनों से बनता है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑयल और बटर दोनों ऐड कर दिया था। फिर इसे हम जो अच्छे से है पलट पलट कर भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम सारे सैंडविचेस हमारे जो है फ्राई कर लेंगे, और जो हमने बच्चे के लिए बनाए थे वो भी फ्राई कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी क्रिस्पी जो हमारे सैंडविचेस बने थे, ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार होते हैं। आप चाहो तो इसे टिफ़िन में दे सकते हो या फिर रमज़ान में सहरी और इफ्तारी दोनों में भी आप इसका जो इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बनाकर खा सकते हो, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चले हम हमारे जो सैंडविचेस हैं सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे सैंडविच जो चीज़ मायो चिकन वाली सैंडविचेस है बनकर रेडी हो चुके हैं। तो हम इसे कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वाली फीलिंग जो है, लुक कितनी मज़े की आती है। ये बहुत मज़े की बनती है, झटपट भी बन जाते हैं, टेस्टी भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं छोटे छोटे पीसेस जो है हमारे बेबी के लिए कट कर लूँगी और उसे उसकी प्लेट में उसे सर्व करके दे दूँगी। तो बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।